हाय ऑल, ये है हमारे पास रियलमी का 43 इंच टीवी। और आप लोग जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस पूछे थे कमेंट सेक्शन में, उसका सारे जवाब दूंगा आज मैं और क्लियर करूंगा सब। और मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था, HDMI ARC पोर्ट एंड टीवी का डॉल्बी साउंड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी एंड पिक्चर सेटिंग्स, सारे कुछ कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन ये था कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मल्टीपल कनेक्शन हो सकता है या नहीं, और ब्लूटूथ कनेक्शन इजीली हो सकता है इसमें। ये मेरे पास देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थे पहले, और रियलमी का रिमोट कनेक्टेड है अभी, और फिलिप्स का जो HTL 3310 है वो जब कनेक्ट करता हूँ तो ऑडियो लाग होता है, वो साउंड बार है। लेकिन और जो हेडफोन वगैरह कनेक्ट करते हैं, XM3 मेरा सोनी का हेडफोन है और उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अभी, देख लीजिएगा, स्विच ऑन हो गया। और ऐड एक्सेसरीज में जाते हैं और कनेक्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया, और इजीली हमारा दो डिवाइस कनेक्ट हो गया अभी, टीवी रिमोट एंड XM3। सो हम मोर देन टू डिवाइसेस एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं और वो विदाउट प्रॉब्लम चलता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था पिक्चर सेटिंग्स, वो जो रियलमी बाय डिफॉल्ट पिक्चर सेटिंग देता है उसमें अच्छा क्लैरिटी वीडियो आता है, लेकिन उसका बैकलाइट जो है 100 से 76 किया हूँ मैं, क्योंकि रात को वो आईज़ को प्रॉब्लम होता है। ओके, सो इसमें जो भी ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेचुरेशन वगैरह है इसमें आप ऐसे ही सेटिंग कर लीजिएगा, और इसमें ही अच्छा क्लैरिटी देता है, नहीं तो ज़्यादा कलर्स ज़्यादा सेचुरेशन हो जाता है। ओके, सो इसके बाद आते हैं ऑडियो सेक्शन में। ऑडियो सेक्शन में हम देखेंगे ऑडियो सेटिंग्स में जो सब मैं पिछले वीडियो में बताया था वैसे ही सेटिंग्स रखना है, नहीं तो HDMI इजीली इतना सपोर्ट नहीं करता है। मेरा डॉल्बी डिजिटल है इसलिए मैं डॉल्बी डिजिटल कनेक्ट किया हूँ, और अभी ये HDMI 1 पोर्ट में मेरा कनेक्टेड है साउंड बार, सो अभी HDMI 1 पोर्ट दिखा रहा है। और पहले आपको क्या करना है, वो CC जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, सो वो आपको ऑन करना है। ओके, नहीं तो वो HDMI अच्छे से काम नहीं करता, HDMI 1 पोर्ट। ओके, तो आपको CEC डिवाइस लिस्ट दिखता है, जब कनेक्ट हो जाएगा वो CEC डिवाइस लिस्ट में आपका साउंड बार दिख जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं कि मेरा अभी ब्लू रिगर का HDMI केबल है, और वो मैं HDMI 1 पोर्ट में ही कनेक्ट किया हूँ। ओके, और जो दूसरा पोर्ट है वो हम साउंड बार में कनेक्ट करते हैं। ओके, सो उसके बाद हम टीवी और साउंड बार ऑन करेंगे, देखते हैं वो कैसे काम करता है। और ये हमारा ऑन हो गया टीवी, और ये 3 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बीच बीच में मुझे वो थोड़ा लैग दिखता है जब ऑन करता हूँ, उसके बाद अच्छा चलता है। और ये आप देख सकते हैं वो साउंड बार का लाइट भी जल रहा है, इसका मतलब वो कनेक्ट नहीं हुआ है, वो जब टीवी ऑन करते हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है लाइट और साउंड बार काम करने लगता है, और जल रहा है मतलब वो स्टैंडबाय में है और नहीं काम करेगा। ओके, सो मैं अभी साउंड बार को ऑन करता हूँ, तो अभी ये देख सकते हैं HDMI ARC सोर्स कनेक्टेड है, इसलिए वो LED लाइट जल रहा है और इधर LED ब्लिंक कर रहा है, मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हम टीवी को फिर से रिस्टार्ट करते हैं। ओके, सो टीवी अभी हो रहा है रिस्टार्ट, देखते हैं, टीवी तो ओपन हो गया पूरा। अभी ये देख सकते हैं कि फिर से वो लाइट जल रहा है, मतलब वो साउंड बार अभी तक भी ऑन नहीं हुआ है। फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ टीवी, और रिस्टार्ट करने के बाद मैं दिखा देता हूँ। अभी मेरा टीवी फिर से रिस्टार्ट हो गया, अभी मेरा साउंड बार भी कनेक्ट हो गया। अभी हम देख सकते हैं वो डिवाइस में इनपुट में CC लिस्ट में साउंड बार दिखा रहा होगा। अभी देखिए HTL 3310 कनेक्टेड है। ओके, HDMI 1 पोर्ट में। अभी साउंड का टेस्ट कर लेते हैं, HDMI RC का वो सोर्स कनेक्टेड है, और टीवी में और साउंड बार में HDMI केबल कनेक्टेड है। अभी प्ले करते हैं, और मेरा एक YouTube का वीडियो देखते हैं कैसे साउंड करता है। ये देख सकते हैं अभी साउंड हो रहा है, ये साउंड बार से पास लेता हूँ।
बाद ही मेरा साउंड बार कनेक्ट हुआ। सो इसका मतलब HDMI ARC पोर्ट 1 है एंड उसको बहुत बार रिस्टार्ट करने के बाद ही वो काम करता है, मतलब अच्छे से काम नहीं करता कभी कभी। तो आप एक बार कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद टीवी ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया HDMI ARC का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाईफाई कनेक्टिविटी, और मेरा अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं है, मैं अभी मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया हूँ मैं, अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ गया मेरा हॉटस्पॉट और बहुत फास्ट कनेक्ट हो गया वाईफाई। सो वाईफाई में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, टीवी अच्छा चलता है। और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन था टीवी साउंड डॉल्बी डिजिटल कैसे साउंड है। डॉल्बी डिजिटल मेरे हिसाब से इतना भी अच्छा नहीं है जिसे साउंड बार प्रोवाइड करता है मेरा ये वाला HDMI कनेक्ट करने के बाद। अब ये देख सकते हैं, मैं एक ऑडियो प्ले करता हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। Between iPhone 12 and Canon 200D Mark II, and we know that the DSLR has the biggest camera sensor, but let's see how iPhone. और ये था टीवी का साउंड। साउंड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन जो डॉल्बी एटमॉस पेपर में है तो इतना अच्छा डॉल्बी एटमॉस नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, टीवी देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।